लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और आपसे कहा था कि आप स्विम नहीं कर सकते। कौन कहता है मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारे या ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है। जिंदगी एक नदी के जैसी है, तैरना आ जाए तो आसान और अगर ना आए तो मुश्किलों में जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू जिंदगी विद राजकुमारी। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी तैर कर पार कर दिखाया है, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर शारीरिक अक्षमताओं को भी हरा दिया है। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तेंजिंग नॉर्गे का ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है, आइए मिलते हैं सत्येन सिंह लोहिया जी। नमस्कार सत्येन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू जिंदगी में। थैंक यू सो मच, आपके शब्दों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्येन जी, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आपने आई और काफ़ी मुश्किलों से आपने ये सफ़र शुरू किया। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे कि कैसे आपका ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू हुआ और आपने कैसे ये इच्छा शक्ति बनाई, कैसे ये ख्वाब देखा, कैसे ये सपना देखा कि आप एक तैराक बनेंगे। मेरा कोई ऐसा कोई सपना नहीं था पहले से भी कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊंगा, बस मेरा ये ख्वाब था कि जो समाज में सोसाइटी में जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर्सन पे चैलेंज होता है, तो उसकी लाइफ पर एक और उसके फैमिली पर प्रेशर लगा देते हैं कि ये वर्थलेस हो गए, ये कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरी प्रॉब्लम है, 70% जो अभी पर्सन पे चैलेंज हूँ, ये मेरी वाई बर्थ नहीं है। बर्थ के कुछ टाइम बाद, ऐसा 15 दिन के बाद कुछ बोतल ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ, तो फिर वो हमें जब वो चीज़ दिखी नहीं उस टाइम, वर्ष के कुछ 10-12 ईयर्स के बाद वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगी, चलने में प्रॉब्लम होने लगी और सारी चीज़ें, मतलब हमारी फिजिकली जो एबिलिटी है उसको मतलब उसको काफ़ी इम्पैक्ट। हम सोचते थे हम उसको हिस्ट्री बताएं जो हमारे बारे में सोचे, जो गांव में एक कहावत है उसे ही हमें अपना दर्द बताना चाहिए जिसके पास दवा हो। इसी बुलंद हौसलों के साथ मैंने अभी तक 8 नेशनल में पार्टिसिपेट किया और 25 से अबव मेडल अचीव किए अपने प्रदेश के लिए। 4 इंटरनेशनल मैंने पार्टिसिपेट किए जिसमें सिडनी में गोल्ड मेडल है और उसके बाद कैटलिना चैनल अपनी टीम के माध्यम से 2019 में क्रॉस किया। और उसके बाद मैंने अभी हाल ही में नॉर्दर्न आइलैंड में अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट्स में उसको, नॉर्थ चैनल है जो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, नॉर्थ चैनल ये नॉर्दर्न आइलैंड में है और स्कॉटलैंड के इसमें बीच में दूरी है 36 किलोमीटर, बहुत ठंडा पानी है, काफ़ी ठंडा है और लगता है कि नहीं अपन नहीं कर पाएंगे, और अपनी सोच के साथ वो चीज़ें हमने उसको फेस किया और आज हम इस सफलता पर पहुंचे। आपके माता पिता और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही होगी, जब आप बड़े हो रहे होंगे, आप कॉलेज में स्कूल में जाते होंगे, उस वक्त भी आपको चैलेंजेस तो आते होंगे, तब आप अपने आप को कैसे ओवरकम करते थे? काफ़ी चैलेंजेस हैं एक पर्सन पे चैलेंज के लिए, एक तो चैलेंज खुद बॉडी ही चैलेंज है चलने में फिरने में, एक समाज की जो सोच है, सोसाइटी की सोच है, वो चैलेंज है। और जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी जगह एसेसिबल नहीं होती है, हर जगह एसेसिबिलिटी नहीं है, दिव्यांग को बहुत ही उससे जूझना पड़ता है। फादर हैं तो वो फार्मर है, मदर है हाउसवाइफ हैं, कोई भी हमारे जो फील्ड में हमारे रिलेटिव में कोई इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ तक नहीं आया, ना कोई, हम बहुत, मैं मिडिल डाउन टू मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कोई भी रिसोर्सेस नहीं थी, एक रिमोट एरिया में रहते उस टाइम, तो कोई खुद अपने हाथों से बाल्टी भर के लेके आ रहा, हमारे पास ट्राईसाइकिल हुआ करती थी, तो हम उससे अपनी सारी जीवनचर्या, वो ही एक मेरा सहारा थी। पर जीवन में प्रॉब्लम आई इतना था, मैं काफ़ी इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हम गैस पर रोटी बना लें, वो हमने चूल्हे पर भी, पर आपने गिवअप नहीं किया, गिवअप नहीं किया, जीवन का यही संघर्ष है। आपकी पत्नी का क्या सहयोग है अभी आपके इस सामने? पत्नी का, पूरी फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट होता है। मेरी वाइफ 2009 में हमारी शादी हुई, 21 जून 2019 को, तो उसके बाद पत्नी का एक अहम रोल जीवन में आ जाता है, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट के साथ साथ जब हम किसी चीज़ को ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी चीज़, क्योंकि मेरी जो वाइफ हैं MBA है और PhD है, बट हमने अपने आप पर विश्वास किया, संत कबीर साहब की मेरे को लाइन आती है, कर भैया भले आपनी छोड़ बिरानी आस और तेरे अग्ना नदिया बहे तऊ मरत प्यास। आपकी जो पूरी बातें हैं वो अपने आप में एक पावर पैक इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं और मैं जो देख भी रही हूँ पिछले कई दिनों से कि आप एक
इंस्पिरेशन स्पीकर के तौर पर कई जगह पर इनवाइटेड होते हैं और आप बताते हैं लोगों को इस बारे में, साथ के साथ आपका एक ये जो जोश है, जैसे आप बाइकर भी हैं, साथ में आप अभी आप फोर व्हील भी आप चलाते हैं, तो कैसे आपको जोश बनाए रखने का जज्बा मिलता है, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी बातों पर लोग गिव अप कर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अगर किसी के भी रास्ते में चैलेंजेस नहीं आए, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बिना चैलेंज के ज़िंदगी जीना आसान नहीं होती, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, और जिसकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। मतलब एक अनफेवरेबल सिचुएशंस है, अगर वहाँ वो ज़िंदगी में जीकर आगे बढ़कर एक दूसरा सफलता प्राप्त करता है, तो मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी लोग दिव्यांग हैं जो आगे आज बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग ही समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर मेरे को ट्रेनिंग दिया जाए तो मैं तो हेलीकॉप्टर उड़ाने के भी सक्षम रखता हूँ। तो आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, शारीरिक ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं होता, जो ऐसा है, अगर जितना भी हमें कुछ भी रुकावट आ रही है तो हमारे दिमाग की वजह से ही है रुकावट। हमने सोच लिया कि नहीं हम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप कहीं पहली बार परमिशन लेने गए थे स्विम करने के लिए, तो लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और आपसे कहा था कि आप स्विम नहीं कर सकते, आप तालाब में पहले ट्राई करके दिखाओ, वो क्या किस्सा था? तो हमने सोचा इससे अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको, पंखों को पूरी तरीके से लहराया जाए, हम कितनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो फिर हमने सोचा इंग्लिश चैनल को ट्राई किया जाए, तो मैंने इसके लिए ट्राई किया, प्रिपरेशंस चालू कर दी इंग्लिश चैनल के लिए। अब उस समय बहुत ही मेरे पास, मैं 25 लाख वहाँ पर खर्चा आ रहा था लंदन में रहने का, बोट बुक करने का, मेरे पास 25,000 भी पैसा नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना हम इसको करेंगे, लोग भी आएंगे, हम घर से निकलेंगे तो रास्ता भी मिलेगा। तो मैं अपना जो एक होता है स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, मैं उसको पॉजिटिव लिया, मैंने कभी इस चीज़ को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। तो मैं सर के पास गया, डायरेक्टर सर के पास, तो मैंने बोला मैं इंग्लिश चैनल करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ देखे, आप व्हील चेयर पर चल नहीं सकते हो, 1 किलोमीटर स्विमिंग कैसे करोगे, 36 किलोमीटर, तो मैं आपको सोसाइड के लिए पैसा नहीं दूंगा। तो वो हमने चैलेंज लिया, मैंने सर से कहा, निवेदन करके कहा, सर मैं अब जब आपकी ऑफिस में आऊँगा, जब इंग्लिश चैनल हम करके आएंगे। तो फिर बोले कि आप भोपाल के तालाब में स्विमिंग करके सिखा दो। फिर हमने सोचा, फिर बोले बॉम्बे में आप पहले दिखाइए, आप क्रेडिबिलिटी आप अपनी दिखाइए कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो बॉम्बे में मैं पहली बार 36 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में किया। तो फिर मैं 2 साल तक ऑफिस में नहीं गया, मैं सर जब मेरे पास हाथ में सर्टिफिकेट होगा, जब ही मैं आपके ऑफिस में मुँह दिखाने आऊँगा। तो भोपाल की तरफ जब भी हम जाते, पैर पड़ते, तो एकदम डर सा लगता कि नहीं हम क्या बोल के आए। तो मैंने अपनी टीम के साथ इंग्लिश चैनल को 23 जून 2018 को अपनी पैरा रैली के टीम के माध्यम से 12 आवर्स मैं उसको क्रॉस ही नहीं किया, एक एशियन रिकॉर्ड बनाया। और तब कहीं जाकर डायरेक्टर साहब ने मेरे को बुलाया, जब मैं उनसे बुला, खड़े होकर उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने हमारा जो पूरा रीइंबर्समेंट करवाया, सब कुछ खर्चा, आज मैं उनको बहुत ही इस मंच के माध्यम से भी मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं ऐसा भी, इतने सारी जर्नी जो आपने की, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई इस दौरान, ये भी चैलेंजेस आते होंगे कि कभी आपको लगता होगा कि कोई स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट आपको आती होगी, जो आपको आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी, अब मेरे मुझे लगता है कि अब तो आपके लिए आसमान पूरा है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं आप, तो किस तरह से आपको उसमें कोई अड़चनें आती हैं और आप उसको किस तरह से सॉल्यूशन उसमें पाते हैं? जब मैं हम 2017 में इंग्लिश चैनल 18 के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हमने ट्राई, एक मेरा एक मोटो, ट्राई करो जीवन में, जितना ये नहीं देखो हम एक जगह से फेल हुए तो डिप्रेस नहीं, हमारा नहीं हो सकता। हम जब पूरा फाइल बनाया, हमने 50 बंच उसका बनाया, 50 बंच, कहीं से तो कहीं 100 दरवाजे से एक दरवाजे से रोशनी मिलेगी ना, क्योंकि मैंने MSW किया है और मास्टर ऑफ आर्ट किया है और मैंने PSC भी दिया है और अच्छे से पढ़ाई भी किया है सिविल सर्विस का। तो ह्यूमन राइट कमीशन, ITI, ये सारी चीज़ें हम फिर उससे पूछते थे गवर्नमेंट से, हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो इम्पैक्ट पड़ता था कि क्या चीज़ें हैं। तो इसी के बल पर हमने पहले पैरा के लिए कोई पॉलिसीज नहीं थी मध्य प्रदेश में। तो हमने 2012 से एक संघर्ष किया जीवन में कि नहीं, हम जो अपने लिए तो कोई भी कर सकता है, हम ऐसा कार्य करें जो सारे दिव्यांग लोगों को यहाँ पॉलिसी बने। तो वो हम हाई कोर्ट में गए, काफ़ी अपने नॉलेज का है हमने सही तरीके से यूज किया। पढ़ना एक अलग बात है, पढ़कर उस चीज़ को यूज करना और उसको पॉजिटिव आउटपुट निकालना, ये ही एक शिक्षा
माध्यम होती है। तब आज मध्य प्रदेश सरकार ने सारे दिव्यांग लोगों के लिए पॉलिसी बना दी और आज सारे लोग फैसिलिटी उसका मिल रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे एटीट्यूड के साथ हम लेता हूँ, आप मेरी फिजिकल बॉडी 70% मैं ज़रूर हूँ मगर मैं कभी भी ये अपनी कमी को कभी कमी नहीं समझता। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हैं आपकी, ऐसा लगता है कि ये बातें जो लोग सुन रहेंगे और आगे भी सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, मुझे लगता है कि हर दिन उनके लिए ये इंस्पिरेशन बातें उनके कानों में गूंजेंगी और याद रहेंगी। आप जब सत्तू के तौर पे आपको लोग जानते हैं, सत्तू से अब आज आप एक सेलिब्रिटी हैं, सत्येन सिंह का जो सफ़र रहा है, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपको लोग बुलाते हैं, बहुत सम्मान मान और काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको जो मिलते हैं, तो ये जो आप बदलाव को किस तरह से देखते हैं? बदलाव को ऐसा है, आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, लोगों की सोच बदली है, ऐसा नहीं है अगर हमने कुछ किया। हमारे जैसे बहुत से लोग दिव्यांगों ने अच्छे कार्य किए, हर फील्ड में किए हैं। और आप यहां तक सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं एक ये समझता हूं कि आपके पास जब सफलता ना हो तो वो तो डाउन टू अर्थ रह सकता है, वो तो हम्बल रह सकता है, उसके पास कुछ नहीं है। जब सफलता प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहे तो मैं समझता हूँ वो शख्सियत ही अच्छी सफलता है। बुलंद हौसलों के साथ मैं अपने रास्ते पर निकला, तब कहीं जाकर मैंने कभी भी जीवन में ये नहीं माना कि नहीं सतेंद्र ये प्रॉब्लम है, कभी भी मैंने ये समझा ही नहीं कि आई हैव प्रॉब्लम। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी रिवोजिनेशंस को और जो भी भारत सरकार ने, पीएम मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, माननीय सीएम साहब ने, आज भी सीएम साहब ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया, ये हमको सम्मानित नहीं कर रहे, हमारे माध्यम से सोच को भी सम्मानित कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट करते दिव्यांग लोगों को, उस सोच को भी, क्योंकि हम लोग सिंपैथी के कारण नहीं है, हम एक सहयोग के और सहानुभूति का हमें कारण बना दिया, ये नहीं है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 29 अगस्त 2019 के अवार्ड से तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड, देश का मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको ये अवार्ड मिला। सत्येन जी, जब आप ये इंग्लिश चैनल और ये काफ़ी सारे जो बर्फीले वाले पानी वाले जो 10 डिग्री में आप जब स्विम करते रहते हैं, तो एक पल को ऐसा लगा कि अब ब्लैकआउट हो गया, आई जस्ट क्विट इट नाउ? नहीं, लगता है, ठंडी लगती है काफ़ी, हम जिस कंडीशंस में रहते हैं, इस वेदर में रहते हैं तो काफ़ी अनफेवरेबल सिचुएशंस होती है, मगर उस समय हम वो चीज़ याद करते हैं। मेरे फादर गांव में 40 डिग्री में हर जोते पसीना आता है तो वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम तो देश के लिए आ रहे हैं। अगर हमें ठंडी ही जिनको लग रही है वो यहाँ है, और जिनको ठंडी के साथ साथ वो जीवन में देश के लिए कुछ करना चाहते, देश का गौरव सबसे बड़ा गौरव होता है, उसके लिए जो व्यक्ति लड़ता है, जूझता है और उसके नाम के लिए एक इंडिया शब्द जुड़ जाता है, तो उसके लिए चाहे जान भी नौछावर हो तो वो भी मैं धन्य समझूंगा ऐसा मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और हम आपको ऑफकोर्स फॉलो करेंगे। धन्यवाद।